डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माई चैनल अभिषेक क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर एक संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न एक का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट बता दिए गए हैं, ये इसका थर्ड पार्ट है। तो आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में R बराबर x, y जिसमें y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो सबसे पहले हम इसका हल डालते हैं। हल डालने के बाद जो R दिया हुआ है उसे लिखते हैं। तो देखिए R बराबर दिया हुआ है x, y जहां y भाज्य है x से, y भाज्य है x से, ये हमें R बराबर दिया हुआ है। तो ये जो y भाज्य है x से, इसका मतलब ये है कि x y जो हम ऊपर से संख्या लिखेंगे उसमें y भाज्य x से लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम R लिख लेते हैं। तो यदि हम x एक लेते हैं तो और y क्या लेंगे जो एक से भाज्य हो। तो एक से तो भाज्य एक भी है, अब यहाँ पर दोबारा x एक ही लेंगे और y क्या लेंगे जो एक से भाज्य हो। तो दो भी भाज्य है, इसी प्रकार एक से तीन भी भाज्य है, इसी प्रकार एक से चार भी भाज्य है, इसी प्रकार एक से पाँच भी भाज्य है, इसी प्रकार एक से छः भी भाज्य है। अब ये तो हो गया, अब लेते हैं दो। तो x बराबर दो लेंगे तो y बराबर क्या लेंगे जो दो से भाज्य हो। तो दो से भाज्य स्वयं खुद दो भी है और दो से भाज्य चार भी है और दो से भाज्य छः भी है। अब हम लेंगे तीन, x बराबर तीन लिया तो y बराबर क्या लेंगे जो तीन से भाज्य हो। तो तीन से स्वयं तीन भी भाज्य है और तीन से छः भी भाज्य है। अब हम लेंगे चार, एक्स बराबर चार लिया तो बाई बराबर क्या लेंगे जो चार से भाज्य हो। तो चार से भाज्य तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ चार ही है, और तो आठ होगा जो इसमें नहीं है। अब हम लेंगे पाँच, तो पाँच से भी कोई भाज्य नहीं है, पाँच ही होगा। इसी प्रकार छः से भी छः ही होगा। तो ये हमने ले लिया। अब एक और बार बता दें कि यहाँ पर दिया हुआ था बाई भाज्य है एक्स से, यानी अगर हम एक्स बराबर एक लेते हैं तो y बराबर एक होगा क्योंकि y x से भाज्य है। और यहाँ पर भी y एक से भाज्य है, यहाँ पर भी तीन एक से भाज्य है। तो ये x है, ये y है, तो इसे हम इस r बराबर इतना लिख लेंगे। अब हम चेक करेंगे स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या कहती है देखिए। स्वतुल्य की परिभाषा वो कहती है यदि कोई समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो उसमें एक एक भी होना चाहिए, दो दो भी होना चाहिए, तीन तीन भी, चार चार भी, पाँच पाँच भी, छः छः भी। तो वो सारी चीज़ क्या इस R में है? तो हम देखते हैं, देखो इसमें एक 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 भी है और दो दो है, तो दो दो भी है और तीन तीन, तीन तीन भी है और चार चार भी है और पाँच पाँच भी है, छः छः भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ 1, 1 ये एक है, कोमा 2, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 3, कोमा 4, कोमा 4, कोमा 5, कोमा 5, कोमा 6, कोमा 6, ये सारे अवयव R से संबंध रखते हैं क्योंकि ये सब R में हैं। अतः जब यह संबंध रखेंगे तो R क्या होगा? स्वतुल्य कहलाएगा। तो R स्वतुल्य है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं हम सममित। तो सममित की क्या परिभाषा कहती है देखिए। यदि इसमें 1, 2 है तो इसका विपरीत यानी 2, 1 भी होना चाहिए, या इस प्रकार कह लीजिए यदि y भाज्य है x से तो x भी y से भाज्य होना चाहिए। तो y तो भाज्य है x से, लेकिन x कैसे भाज्य हो जाएगा y से? तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह सममित नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ 1, 2 R से संबंध रख रहा है क्योंकि
क्योंकि दो भाज्य है एक से, क्योंकि दो एक से भाज्य है, लेकिन दो कौमा एक आर से संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि एक भाज्य नहीं है दो से, क्योंकि एक दो से भाज्य नहीं है, इसलिए यह आर से संबंध नहीं रखेगा। जब यह संबंध नहीं रख रहा तो हम कह सकते हैं कि अतः आर सममित नहीं है। अब हम अगला चेक करते हैं, संक्रामक। तो देखिए संक्रामक की परिभाषा क्या कहती है। यदि यहाँ पर कोई एक दो है तो यहाँ पर दो के आगे कुछ भी होना चाहिए, मतलब दो तीन या दो चार भी होना चाहिए और पास की भी संख्या होनी चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ रफ करके, ये रफ कार्य बना लीजिए, इसका एक बॉक्स है, ये रफ है, ठीक। तो यहाँ पर यदि हम एक दो आर से संबंध रखें, एक कौमा दो को आर से संबंध रखें, तो दो कौमा कुछ भी मान लीजिए चार भी आर से संबंध रखना चाहिए, और साथ ही इसका और पास का एक कौमा दो, दो कौमा चार, और इसका और पास यानी एक कौमा चार भी आर से संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ पर उसे ही देखते हैं, ये यहाँ पर एक कौमा दो तो आर से संबंध रख रहा है, लेकिन क्या दो कौमा तीन या दो कौमा चार कोई है? तो देखते हैं, तो यहाँ पर ये रहा, ये दो कौमा चार भी आर से संबंध रखता है, लेकिन एक कौमा चार देखते हैं अब, तो एक कौमा चार भी यहाँ पर आर से संबंध रखता है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ एक कौमा दो आर से संबंध रखता है, साथ ही दो कौमा चार भी आर से संबंध रखता है, तथा एक कौमा चार भी आर से संबंध रखता है। तो ये तीनों से संबंध रख गया। अब हम कह सकते हैं कि अतः यह संक्रामक है। तो ये स्वतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है, यही इसका आंसर है। तो अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ, तो अब आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इसी का अगला पार्ट पढ़ेंगे, चौथा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।